अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट व शेयर करें और ऐसी ही ताज़ा खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल PRSTN News को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का PRSTN News में। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबर पर। अयोध्या में योगी सरकार के होने वाले पांचवें दीपोत्सव की तैयारियां जोरों पर शुरू हो गई है, जिसमें अवध यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट ने फाइन आर्ट की तरफ से 950 लाख दीपों का टारगेट रखा गया है और तरह तरह की मनमोहक कलाकृतियां राम जी के जीवन परिचय पर बनाई गई है और फाइन आर्ट की तरफ से अब की मुख्य पंच के सामने माता शबरी राम जी के बेर खिलाते दीपों से चित्रण किया जाएगा और एक अनोखा दृश्य देखने को मिलेगा। इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के प्रोफेसर फाइन आर्ट के समन्वयक विनोद श्रीवास्तव ने कहा कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी अवध विश्वविद्यालय अपना ही रिकॉर्ड तोड़ेगा और रिकॉर्ड तोड़कर 950 लाख दीपों को 32 घाटों पर जलाकर नया रिकॉर्ड स्थापित करेगा, जिसमें फाइन आर्ट की तरफ से 150 बच्चे तरह तरह की कलाकृति, चित्रण व मनमोहक रंगोली का कार्य प्रस्तुत करेंगे व 12,000 वॉलेंटियर दीप प्रज्वलित करने का कार्य करेंगे और भव्य व दिव्य दीपोत्सव को मनमोहक व सुंदर बनाने का कार्य करेंगे, अच्छे दृश्यों को प्रस्तुत करेंगे। वहीं डॉक्टर सरिता त्रिवेदी ने कहा कि जैसे कि हम लोग खुद ही रिकॉर्ड बनाए थे और खुद तोड़ देते हैं, फिर हम लोग अपना ही रिकॉर्ड तोड़ेंगे और लगभग 950 लाख दीयों से हमारा घाट सजेगा। हम दीयों को एक नॉर्मल तरीके से लगाकर कमराम दरबार बनाया था जो कि पूरे विश्व में फेमस हुआ। राम दरबार उभर कर आता है जो एक आकर्षक और मनोहर रूप देता है। इसी तरह हम लोगों ने इस बार की जो कथा चुनी है वो माता शबरी जी के नाम से है। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री का नारा था सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, उसमें हम शबरी जी की कथा संघ को 40x40 फीट और दीयों से उभरेंगे। उसमें रंगोलियां भी रामकथा से रिलेटिव होगी और इस बार हम लोगों ने इस कच्छ थीम रखा है जो राम जी के रिलेटिव होंगे। भगवान श्री राम जी जहाँ पे विराजमान है वहाँ पर रंगोली का जो सजावट था, हमारी विभाग की फैकल्टी डॉक्टर शंकर द्विवेदी और श्रीमती सुश्री रीमा सिंह ने अपने निर्देशन में बहुत ही प्यारी रंगोली सजाई। आपने देखा होगा कि फूल से ही राम को वहाँ पे डेकोरेट किया गया, तो महामहिम राष्ट्रपति जी भी कोविड जी भी काफी उसको अप्रिशिएट किए। तो विभाग निरंतर अच्छा काम करता है, तो 11 रंगोली का कॉन्सेप्चुअल रंगोली का हम लोग का प्लान है कि उसको बनाने में हम सफल होंगे, तो निश्चित रूप से जो भी लोग उसमें प्रतिभाग करेंगे, जो भी लोग उसमें आएंगे, निश्चित रूप से उनका वो मन मोहेगा और ये जो अयोध्या का दृश्य होगा ये वास्तव में बहुत ही रमणीय होगा, जिसके लिए पूरा विश्वविद्यालय प्रशासन लगा हुआ है और विश्वविद्यालय प्रशासन अपने स्तर पर किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं करेगा। अभी अयोध्या के सौंदर्यीकरण के दायित्व में भी विश्वविद्यालय प्रशासन के फाइन आर्ट डिपार्टमेंट ने अपना योगदान किया है, जिसमें डॉक्टर द्विवेदी को संयोजक बनाया गया था और उनके संयोजन काल में जो भी वर्क है वो काफी अच्छे से चल रहा है। तो शासन निरंतर फाइन आर्ट डिपार्टमेंट की ओर देखता है और विश्वविद्यालय की ओर देखता है और फाइन आर्ट डिपार्टमेंट, मैं आपको बताना भी चाहता हूँ कि अभी 2017 में इसकी स्थापना हुई और आज यहाँ पे कुलपति जी की प्रेरणा से हम BA से MA से और PhD तक के कोर्स यहाँ पे लॉन्च हो गए हैं, तो बच्चे भी अच्छा आ रहे हैं। तो हमारी जो परंपरागत परंपराएं हैं, कला जो कलाएं विलुप्त हो रही थी, इस डिपार्टमेंट के खुलने से हम अवध की लोक कला को पुनर्जीवित करने में सफल हो रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये जो दिव्य दीपोत्सव होगा ये भव्य होगा और इसमें फाइन आर्ट का काम भी सराहनीय होगा, जिसके लिए हमारे सारे बच्चे जिनकी टोली बन रही है और उनके साथ शिक्षिकाएं माननीय कुलपति जी, पूरा विश्वविद्यालय का टीम इसके लिए प्रयास कर रहा है। फाइन आर्ट डिपार्टमेंट का यदि आप देख रहे हो तो राम स्वरूप को उन्होंने बनाया, पिछले साल भी राम स्वरूप को बनाया, तो दियो से हम मनाते हैं जो कि अपने आप में रिकॉर्ड होता है। इस बार की जो प्लानिंग है 40x40 फीट मुख्य मंच के सामने हम लोगों ने तय किया है कि हम सबरी माता का दृष्टांत प्रभु राम को बैर खिलाते हुए उसको उत्प्रेरित करने की बात करेंगे, तो इसका दो इम्पैक्ट जाएगा कि समाज में समस्ता का भाव होगा और जो समाज में एक बिखराव देखने को मिल रहा है कि समाज में लोग ये कहते हैं कि हम इस खास के ही जाते हैं, तो शायद उससे उसका कहीं ना कहीं पे लोग उससे सीखेंगे कि हमारी रामायण कालीन कथाएं, हमारे संस्कार यही रहे हैं कि हमें किसी भी रूप में विभेद नहीं करना चाहिए, तो वो एक मिसेज जाएगा। और दूसरा, जब इसका भगवान प्रभु राम माता सबरी का जो चित्रण कार्य किया जाएगा, इस चित्रण कार्य को हम उत्प्रेरित करते हुए उसमें फ्लो देंगे, एक प्रवाह देंगे और जब दीप प्रज्वलन होगा तो निश्चित रूप से जब ऊपर से आप देखते हैं, पीछे का भी देखोगे राम दरबार वगैरह, तो बहुत ही मनमोहक होता है। और असली
जैसे कि हम लोग खुद ही रिकॉर्ड बनाते हैं और खुद ही तोड़ते हैं, ये हम लोगों का खुद का रिकॉर्ड है, तो इस बार भी हम लोग अपना ही रिकॉर्ड तोड़ेंगे और लगभग 9 लाख दीयों से हमारा घाट सजेगा। बट हम दीयों को एक नॉर्मल तरीके से नहीं लगा के समथिंग डिफरेंट तरीके से लगाते हैं, जैसे कि हम लोगों ने राम दरबार बनाया था जो कि पूरे विश्व में फेमस हुआ, और आप जब देखेंगे पिछले दीपोत्सव की इमेज तो राम दरबार उभर के आता है जो एक आकर्षक और मनोहर रूप देता है अयोध्या को। इसी तरह हम लोगों ने इस बार जो कथा चुनी हो सबरी जी से, क्योंकि सबका साथ सबका विकास मोदी जी का नारा है, तो उसमें हम सबरी प्रसंग की कथा को चित्रित करेंगे 40x40 फीट पे और दीयों से उभारेंगे और उसे 3D इफेक्ट देते हुए उकेरेंगे। उसमें रंगोलियां भी राम कथा से रिलेटेड फिगरेटिव होंगी, जो फिगर्स में राम कथा कही जाएंगी वो होंगी। और इस बार हम लोगों ने कुछ स्कल्पचर्स की भी थीम रखी है जो राम जी से ही रिलेटेड होंगी, उनको भी हम वहां पे जो समथिंग 21 आपके स्कल्पचर्स होंगे, 11 आपकी रंगोली होगी और 40x40 में हमारी सबरी के प्रसंग की कथा होगी और इसे हम दीयों से सजाएंगे। कितने बच्चे? लगभग हम 150 की टीम है हमारे बच्चों की जो पूरे घाट पे लग के काम करेंगे। दीपोत्सव को लेकर तो काफी एक्साइटेड है क्योंकि ये बहुत बड़ा टास्क है, 9 लाख बहुत छोटा टास्क हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप चूंकि हमने इतना 7 लाख समथिंग कंप्लीट किया है तो अभी 9 लाख पे जा रहे हैं, तो टास्क बड़ा है बट एक्साइटेड भी उतने ज्यादा हैं, तो बहुत अच्छा होगा। तैयारियां ये किसके लेआउट रेडी हो चुके हैं, हम लोग का मेजरमेंट डिजिटल प्रिंट्स रेडी हो चुके हैं और आज या कल में हम लोग घाट पे जाके उसको घाट पे पहले तो उसका मेजरमेंट करके और स्केच करना स्टार्ट कर देंगे और लेआउट पूरी तरह। फिलहाल के लिए बस इतना ही, अगली खबर में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए देखते रहिए PRST न्यूज। आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट है www.prstnews.in।